नेताओं का एक दूसरे पर छींटा कसी का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को खरी खोटी सुना रहे हैं। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ हताशा से ग्रसित है, इसीलिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं इस दौरान शिवराज ने 2023 के पेश हुए बजट की विशेषताएं भी बताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर कमलनाथ पर बरस पड़े हैं। कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ हताशा से ग्रसित है, इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं। वहीं शिवराज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2023 की विशेषताएं बताते हुए कहा कि रेल और इंजीनियरिंग तकनीक क्षेत्र के लिए ये बजट बहुत अच्छा है, अधोसंरचना का विकास होगा। चौहान ने कहा कि मोदी जी गरीबों के लिए संवेदनशील है। गरीबों के मकान का बजट 69,000 करोड़ किया गया है और 45,00,000 करोड़ का बजट भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, शहरी अधोसंरचना को लाभ मिलेगा, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी योजना है। 10,000 करोड़ वाली गोवर्धन योजना काफी सराहनीय है। शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए यह बजट 100 साल की परिकल्पना वाला बजट बताया है। 23-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें भी हम लोगों ने ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परिकल्पनाएं शुरू की है, इससे स्किल्ड मैन पावर तैयार करना और उसके बाद उनको रोजगार प्राप्त देश में और जगत दुनिया में भी हमारी मैन स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास है तो युवाओं को निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलेगा। 3 वर्षों में ऐसा एक व्यापक गाइडलाइन हमारे पास है, प्रधानमंत्री आवास योजना की आवंटन बढ़ाए तो हम अपने गरीबों के मकान कैसे ज्यादा बनाएं पर हम ध्यान देंगे। तो मोटे तौर पर मैं एक योजना की बात नहीं करता, इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बजट बनाते समय हम इन योजनाओं को ध्यान में रखें, हम उसका भी लाभ उठाएंगे। पर्यटन स्थलों का विकास करना हो, नए हवाई अड्डे हो या रेलवे का विकास हो, इन सब का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, वो भी विकसित किए जाएंगे। और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा किया जाएगा, जो शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम करेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान और उनको विकसित करने का काम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिए जाने का काम भी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।